ना अभी आप देखें तो हमारा कुछ ऐसा 3 फेसिंग और 3 बार कुछ ऐसा स्पेसिंग पे है, कुछ 1 2 3 ऐसे कुछ स्पेसिंग है जो कि हम ऐसे ले सकते हैं हमारा स्पेसिंग। और व्हाट इज़ द कंडक्टर, ये हमारा ले लेते हैं, ये ए बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और बीच में हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल एन। तो ये हमारा वी ए एन हो गया, वी सी एन, वी बी एन हो गया। अभी कुछ ऐसा फाइंड कर सकते हैं हम, ये दोनों सेम रहेंगे, वी ये दोनों वी ए सी इज इक्वल टू वी ए सी, ये दोनों सेम रहेंगे। और ये हमारा पॉइंट ले लेते हैं डी पॉइंट, वी बी डी, ये 30 डिग्री पर रहेगा, ये भी 30 डिग्री पर रहेगा। तो ये कौन सी डिग्री पे आएगा, 60 180 माइनस 6 तो 120 डिग्री पर रहेगा। और ऐसे आप क्या फाइंड कर सकते हैं वी ए एन और वी ए बी, ये वाले वेक्टर डायग्राम से जो कि हमने फाइंड किया है फ्रॉम दिस इक्विलेटरल स्पेसिंग डायग्राम, वी आर एबल टू फाइंड अ वी ए बी और वी ए बी प्लस वी ए सी, वी ए बी प्लस वी ए सी फ्रॉम दिस डायग्राम, जो कि आप सॉल्व करोगे तो यू यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और गेट दिस वैल्यू इजीली, cos 30। ये कुछ सॉल्यूशन है जो कि आप फाइंड कर सकते हो, जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप कुछ ऐसा फाइंड करोगे वी ए बी प्लस वी ए सी, ये इजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ, वो माइनस यहाँ आपको डायरेक्टली ऐसे करके फाइंड कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, उसके हिसाब से ये मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा वी ए बी और वी सी करके, जो कि आप डायरेक्टली ये कुछ √3 टाइम्स आएगा, √3 टाइम्स वी ए एन जो कि हमारा वी ए बी होगा, उसके हिसाब से ये, और बाद में ये टोटल वी बी डी इज इक्वल टू वी बी ए सी प्लस वी ए बी करके भी आप फाइंड कर सकते हो, जो कि इतनी वैल्यू आ जाएगी। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट वॉट इज़ इम्पोर्टेंट, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज़ इम्पोर्टेंट, उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, उसका यूज़ हम इसके हिसाब से और इससे कंपेयर करके करेंगे, बिकॉज वॉट वी गेट वी ए बी प्लस वी ए सी कुछ ऐसा मिला था, ये वाला वॉट वी गेट कुछ ऐसी इक्वेशन मिली थी, मैं फिर से लिख देता हूँ, कुछ ऐसा मिला था 3 टाइम्स क्यू ए 2 बाई के एल एन डी डिवाइड बाय। अभी आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके इजीली बोल सकते हैं कि हमारा वी ए एन क्या आएगा, ये वाला, बिकॉज वी ए बी प्लस वी ए सी 3 टाइम्स वी ए, तो 3 निकल जाएगा और हमें वी ए एन कुछ ऐसा मिलेगा एल एन डी डिवाइड बाय आर। सेम यू आर एबल टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑल्सो, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो सी ए एन इज इक्वल टू क्यू ए डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी ए एन, इसके हिसाब से हम कुछ ऐसा मिलेगा और क्यू ए अपॉन 2 पाई के एल एन डी डिवाइड बाय आर, क्यू ए कैंसल आउट, 2 पाई के ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय एल एन डी डिवाइड बाय आर, एंड वॉट वी गेट दिस इज इक्वेशन इन फेराडे पर मीटर, और कैपेसिटेंस विथ न्यूट्रल हमको मिल जाएगा, और लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इजीली मिल जाएगा न्यूट्रल कैपेसिटेंस। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, वी गेट सी ए एन फॉर दिस इन 3 फेज, वी गेट दिस टाइप ऑफ सी ए एन इन सिंगल फेज, हमने सिंगल फेज में कौन सी वैल्यू फाइंड की थी, सिंगल फेज में हमने ये वाली वैल्यू फाइंड की, बोथ आर सेम, इट मीन्स इन 3 फेज एंड सिंगल फेज जो भी हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं विथ न्यूट्रल, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इन सिंगल फेज एंड 3 फेज दोनों के लिए सेम रहता है, जब हम बात कर रहे होते हैं कि 3 फेज के सिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए, और यू कैन से दैट इक्विलेटरल स्पेसिंग के लिए जब बात करते हैं तब सिंगल फेज और 3 फेज के लिए जो कि कैपेसिटेंस विथ न्यूट्रल आता है वो सेम रहता है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।